कॉमर्स करियर सेंटर में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। लॉकडाउन क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे BST बिजनेस स्टडी। लगभग बिजनेस स्टडी हम लोगों का समाप्त होने वाला है, तो बिजनेस स्टडी में आज हम लोगों का नया चैप्टर होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ये अधिनियम 1986 में बना था। भारत सरकार ने यह नियम बनाया कि कोई उपभोक्ता के साथ, उसके अधिकार के साथ किसी भी तरह का अनुचित व्यवहार न करे। उपभोक्ता को सारे अधिकार हैं, सुनने का, पहचानने का, उसे कम तौल का सामान न दें, मिलावट का सामान न दें, उसके साथ किसी भी तरह का अनुचित व्यवहार न करें। यह विश्व का सबसे पहला अधिनियम बना, यानी कि कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देने वाला पहला देश हमारा भारत ही है। अगला टॉपिक हम लोग का है कंज्यूमर। कंज्यूमर यानी उपभोक्ता। उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता वह पर्सन है जो माल का अंतिम उपभोग करता है। वह जो वस्तु खरीदता है वो रीसेल के लिए नहीं, मतलब वो दोबारा बेचता नहीं है, वो खुद ही उसको कंजप्शन करता है। उसके लिए वो पैसा इंडिविजुअल रूप से पे करता है, तो उसी को उपभोक्ता कहते हैं। लास्ट यानी जैसे मान लिया जाए, फॉर एग्जांपल, मैंने एक बिस्किट खरीदा और बिस्किट खरीदा 5 रुपये का बिस्किट मैंने खरीदा, तो निश्चित है कि मैंने, और ये खाने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए, अपनी इच्छा के लिए मैंने बिस्किट लिया, तो वो बिस्किट यदि हम लेते हैं तो आई एम कंज्यूमर, मैं कंज्यूमर हूँ, क्योंकि मैंने बिस्किट जो खरीदे हैं बेचने के लिए नहीं, खाने के लिए, कंज्यूम करने के लिए। तो इस तरीके से जो सेल का लास्ट चेन होता है उसी को कंज्यूमर कहते हैं, यानी कंज्यूमर ही वस्तु को बेच सकते हैं। तो किसी वस्तु के बेचने में अहम भूमिका आपका कंज्यूमर का ही है। कंज्यूमर कंज्यूम कर लेता है तो समझा जाता है कि वस्तु अंतिम रूप में बिक गया। अगली टॉपिक है हमारी अधिकार, रिस्पॉन्सिबिलिटी। उपभोक्ता को अधिकार है, वो किसी भी वस्तु को देखे, समझे, सुने, जो विज्ञापन दे रहा है उसको सुने, उसके बारे में शिक्षा ले, उसका नॉलेज ले, उसके बारे में यानी माल के प्रति उसको अच्छी तरह अधिकार है, सारा सुनने का, देखने का, पहचानने का, पसंद करने का, शिक्षा के, एजुकेशन का, वो सारा चीज़ अपना वो कर सकता है। अगली टॉपिक आपका है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व। उसका क्या उत्तरदायित्व है? एक कंज्यूमर, आप सामान खरीदने जाते हो तो आपकी उत्तरदायित्व क्या बनती है? सबसे पहले तो क्रय में आप जल्दीबाजी ना करें, जो सामान खरीदने जा रहे हैं उसमें जल्दीबाजी ना करें, देख के, परख के, खोल कर, बंद करके अच्छी तरह देख लें कि वस्तु कैसा है। साथ ही साथ उसकी गारंटी या वारंटी कार्ड ले, रसीद लेना ना भूलें। गुणवत्ता के साथ समझौता ना करें, अगर कोई कहे कि सर ये कम दाम का है उससे अच्छा है, अच्छा चलेगा, ऐसी नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है इसको मैंने पहले यूज नहीं किया है और ये आपको काफ़ी फोर्स किया जा रहा है, तो वैसे वस्तुओं को ना लें। उसके बाद भ्रामक विज्ञापन से बचें। यदि ऐसा कोई कहता है कि हाँ सर ऐसा लेते हैं तो इस पे इतने का इनाम है, ये इनाम है, जो भ्रामक विज्ञापन देते हैं, तो वैसा काम नहीं कर रहा है। हम इतने पैसे को इतने दिन में ट्रिपल कर देंगे, ये कर देंगे, यानी कि अगर आप 1 लाख देते हैं तो हम इतने माह में 1 करोड़ बना देंगे, ऐसे भ्रामक विज्ञापन से बचना चाहिए। उसके बाद आपका है कंप्लेन बेस। कंप्लेन बेस, कंप्लेन का क्या बेस होना चाहिए? कंप्लेन का बेस, यदि आप कहीं शिकायत करने जाते हैं, यानी आप, सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि इंडियन कंज्यूमर को यदि उनके साथ किसी भी तरह का राइट्स का हनन होता है तो अपना शिकायत इस बेस पे वो करने जा सकते हैं। शिकायत का बेस क्या क्या होगा? अनफेयर, अनफेयर ट्रीटमेंट यानी अनुचित व्यवहार। यदि आपके साथ कोई अनुचित व्यवहार करता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप सामान देखते हैं और देखने के बाद नहीं लेते हैं, तो हो सकता है कि दुकानदार को थोड़ी बहुत गुस्सा आए, वो आपके साथ कुछ अनुचित व्यवहार करे, तो यह गलत है। इस बेस पर आप दुकानदार पे केस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है डैमेज गुड्स। अगर आपको कोई अच्छा सामान कहकर अगर बेकार देता है, डैमेज देता है, तो आप उस पर केस कर सकते हैं। तीसरा चीज़ है डिक्रीज इन सर्विस।
यानी सेवा में कमी। यदि आपको ऐसा कहता है कि सर आपकी यही कोई भी चीज मशीन या कोई भी चीज यदि खराब हो जाती है तो मैं इमीडिएटली आपको सर्विस दूंगा, और आपकी टीवी वॉशिंग मशीन बिगड़ी पड़ी हुई है सर्विस नहीं वो दे रहा है, तो आप उस पर केस कर सकते हैं। इसके बाद है रिस्कफुल गुड्स, यानी ऐसा कोई सामान नहीं देना चाहिए जो रिस्कफुल हो। जैसे मान लिया जाए कि मैंने कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लिया, घर में यूज करते हैं वो ब्लास्ट कर जाता है, तो वैसे सामान अगर कोई देता है तो उस पर अब हम केस कर सकते हैं। उसके बाद टेकिंग द मोर कॉस्ट, यदि यदि मान लिया जाए कि वो अधिक आपसे कॉस्ट लेता है, सामान का दाम ज़्यादा ले लेता है, तो आप उस पर केस कर सकते हैं। यदि उस सामान का उचित प्राइस 10 है और वो आपको 12 या 13 में देता है, तो ऐसी स्थिति में आप उस पर केस कर सकते हैं। अगला कंप्लेन सेटलमेंट, शिकायत का निवारण कहाँ होगा। अगर आपकी शिकायत है तो कहाँ निवारण होगा, इसके बारे में आपको जानना होगा। आपके शहर में वो निवारण हो सकता नहीं, यानी कि आपको उस उपचार का आप जो शिकायत करते हैं वह कहाँ सुनवाई होगी, कहाँ शिकायत करेंगे, आपके शिकायत को कौन सुनेगा। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इसके लिए कंप्लेन के सेटलमेंट के लिए 3 तरह का प्रोविजन है। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, पूरे भोजपुर जिला में, जैसे हम अपने जिला की बात करें, भोजपुर जिला में डिस्ट्रिक्ट फॉर्म जो पुराने पुलिस लाइन के पास है, तो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म यानी जिला मंच, जिला मंच में जाकर आप 20 लाख तक का कोई केस उसमें दे सकते हैं। यदि आपके साथ 20 लाख रुपए तक का, 20 लाख से ज़्यादा नहीं, 20 लाख तक का कोई केस यदि आपका बनता है तो आप अपने शहर में जाकर उसको दे सकते हैं, यानी वहाँ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सेकंड आपका बनता है स्टेट कमीशन, यानी कि राज्य आयोग। राज्य आयोग में 1 करोड़ तक का मैटर आप जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट होता है सर नेशनल कमीशन, यानी कि राष्ट्रीय आयोग। यहां पर आप 1 करोड़ से ऊपर का केस दर्ज कर सकते हैं। अगला आपका है और लास्ट एडिशनल प्रोटेक्शन कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देने वाला और कौन कौन से ये प्रोटेक्शन है, यानी कि एक्ट बना है। तो ये एक्ट कौन कौन सा बना है सर, और भी एक्ट हैं, बहुत सारे एक्ट हैं। इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो, यानी वस्तुओं की मानकता, यानी सामान अच्छा है कि नहीं, ISI मार्क है कि नहीं, ये सब कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए बना है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन अनुबंध, आप किसी के साथ क्या अनुबंध करते हैं, वो आपके साथ कुछ गलत तो नहीं करता है, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बना था आपको 1982 में। उसके बाद वेट एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन, यानी कि बाट मतलब बटखरा, जिससे आपको सामान तौल के दिए जाते हैं, यदि आपको कोई सामान कम तौल के देता है तो यह रेगुलेशन एक्ट 1976 में आता है। उसके बाद ट्रेडमार्क, किसी वस्तु का मार्क देखकर ही वस्तु को खरीदे, उसकी गुणवत्ता को देखें, तो ये आता है 1940 में। इसके बाद आता है फूड इंटरमिक्सर प्रोटेक्शन एक्ट, अगर आपको कोई सामान मिलावट का दे देता है, कहता है कि ये शुद्ध घी है और वो शुद्ध घी नहीं होता है, बेकार होता है, तेल कहकर उसमें मिलावट कर देता है, तो ऐसे के लिए आप इसके लिए एक्ट बना है 1954 में, एक्ट बना है फूड इंटरमिक्सर प्रिवेंशन एक्ट। तो इस तरीके से इस चैप्टर का मुख्य टॉपिक मैंने समझा दिया। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, विद्यार्थी इसे मन लगाकर पढ़ें। लॉकडाउन जो हुआ है उसमें अधिक से अधिक पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि अब अधिक से अधिक समय खाली बैठ रहे हैं। हम अपने विद्यार्थियों को एडवाइस देंगे, अनुरोध करेंगे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कॉमर्स कैरियर सेंटर के नाम से हमारी यूट्यूब चैनल बनी हुई है और उसमें आप अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकते हैं, एक से एक नई टॉपिक आप जान सकते हैं। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद।